देवघर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में बोकारो एयरपोर्ट चालू करने की घोषणा के बाद बोकारो एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू करने को लेकर प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई है। बोकारो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग 4 महीने पहले पूरा हो चुका है। फिलहाल एयरपोर्ट हवाई सेवा शुरू करने को लेकर हाईटेक संसाधनों से लैस है। ATS टावर, रनवे, फायर पिट, पैसेंजर लॉबी, मेन गेट सहित सभी कार्य भी पूरे हो चुके हैं। यही नहीं, कॉमर्शियल उड़ान के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को बोकारो इस्पात प्रबंधन की ओर से आवेदन दिया गया है, लेकिन विगत एक वर्ष से एयरपोर्ट परिसर में मौजूद 1720 पेड़ों की कटाई की दिशा में अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई है, जिस कारण एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। पेड़ काटने का आदेश देने वाली हाई पावर कमेटी के आदेश के 1 माह की अवधि भी बीत गई है, लेकिन मामले पर न एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी गंभीर हैं और न ही वन विभाग ने गंभीरता दिखाई है। BSL प्रबंधन भी सुस्त है। इस दौरान 3 बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक भी बोकारो में होने वाली बैठक भी टलती रही। बार बार बैठक की तिथि तय होने के बाद बैठक नहीं हुई। ऐसे में प्रधानमंत्री के देवघर एयरपोर्ट के साथ साथ बोकारो एयरपोर्ट को भी चालू कराने की घोषणा बोकारो वासियों में एयरपोर्ट को लेकर नई उम्मीद जगी है। PM की घोषणा के बाद बोकारो इस्पात प्रबंधन ने कहा है कि जल्द ही एयरपोर्ट के सभी पेड़ों को काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यही नहीं, DGCA की टीम को भी जल्द ही निरीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, ताकि यदि कोई शेष काम रह गया हो तो उसे भी समय पर पूरा किया जा सके। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।